तो दोस्तों एक और आईटी जाइंट विप्रो ने आज अपने Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स इन्होंने पेश किए हैं और साथ ही कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अब कंफ्यूजन ये हो रहा था कि दोस्तों यहाँ पर क्या फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है या फिर इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, तो इस कंफ्यूजन को दोस्तों इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। साथ ही कोशिश करेंगे कैलकुलेट करने की कि कितना डिविडेंड यील्ड यहाँ पर जनरेट हो रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन डेप्थ एनालिसिस तो करेंगे ही Q4 की, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे क्या इसके बेस्ट बाय लेवल हो सकते हैं, क्या यहाँ पर सेफ्टी लेवल हो सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा कुछ रेशोस के बेसिस पे। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल दोस्तों वीडियो आपके लिए होगा, तो बिना स्किप करें एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट हमेशा हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो देखिए करीब 3% के आसपास दोस्तों आज हमको इसमें तेजी देखने को मिली। अगर मैं पिछले एक साल की बात भी करूं तो क्या गजब के रिटर्न इसने जनरेट करके दिए हैं। देखो करीब करीब 140% के रिटर्न, और ये रिटर्न दोस्तों पूरी आईटी सेक्टर ने जनरेट करके दिए हैं, क्योंकि पैंडेमिक के बाद से आपको पता है दोस्तों वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ चुका है। यू नो बिजनेसेस जो हैं, चाहे हम छोटे बिजनेसेस की बात करें या फिर बड़े बिजनेसेस की, तो यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ऑफलाइन टू ऑनलाइन जा रहे हैं बिजनेसेस और क्लाउड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो ये सर्विसेज जो कंपनीज प्रोवाइड करती है आईटी सेक्टर्स के दोस्तों काफ़ी बेनिफिट हुई है, और हो सकता है दोस्तों ये जो सिलसिला है आगे आने वाले सालों में भी चलता रहे, क्योंकि पेंडेमिक के बाद से जो है नज़रिया काफ़ी बदल चुका है, बिजनेसेस का काम करने का तरीका यहाँ पर बदल चुका है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ चुका है, तो ये परफॉर्मेंस आपको आगे भी देखने को मिल सकती है। तो अगर रिजल्ट्स की मैं बात करूँ तो देखिए ये आज का दोस्तों यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ मीटिंग हुई थी उसको यहाँ पर जो है आउटकम उसका एक्सचेंज पर यहाँ पर सबमिट किया है कंपनी ने। तो पहला है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इसको अभी इनडेप्थ एनालिसिस हम करेंगे। पहले बात करते हैं डिविडेंड से रिलेटेड। तो बोर्ड ने दोस्तों कोई भी फाइनल डिविडेंड यहां पर अनाउंस नहीं किया है, कुछ भी रिकमेंड नहीं किया है। जो इंटरिम डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया था, डिक्लेयर किया था 13 जनवरी 2021 की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें, उसी को दोस्तों इन्होंने एज ए फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए फाइनल डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। तो ₹1 पर इक्विटी शेयर का यहाँ पर डिविडेंड अब यहाँ पर फाइनल है। तो अगर बात करें कितना यहाँ पर आपको जो है डिविडेंड मिलेगा, तो डेफिनेटली दोस्तों अगर 100 शेयर हैं आपके पास तो ₹100 का डिविडेंड आपके जो है अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैं यील्ड निकालने की कोशिश करूँ शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग, तो देखिए इंटू 100 में करूँ तो करीब करीब 0.25%, मतलब 0.25% के आसपास आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। हालांकि ये डिविडेंड ज़्यादा नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर मैं बात करूँ विप्रो ने जो कैपिटल अप्रिशिएशन करके दी है वो तो आपको दोस्तों सबको पता ही है, क्या गजब का यहाँ पर ये 100 bagger रहा है। तो चलिए अब चलते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की ओर, और यहाँ पर मैं आपको पूरा यहाँ पर जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिजल्ट्स को मैं पूरा यहाँ पर एनालिसिस करके बताऊंगा और बताऊंगा यहाँ पर कैसे रिजल्ट्स रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट ओपन हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो रेवेन्यू आप देखेंगे दोस्तों यहां पर ईयर ऑन ईयर में बात करूं तो 15,711 करोड़, तो ये मिलियंस में है ना, आपको करोड़ में करके बता रहा हूं। तो जो था पिछले साल 15,711 करोड़ वो आप ग्रो होके हो चुका है दोस्तों 16,245 करोड़, तो अच्छा खासा यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिली है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर ग्रो होता हुआ हमको दिख रहा है रेवेन्यू। चलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे जो पिछले साल था करीब 2,345 करोड़ का, वो बढ़ के हो चुका है 2,974 करोड़ का, तो यहाँ पर भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा मार्जिनली डिक्राइन देखने को मिल रहा है, जो करीब करीब अप्रॉक्सीमेट 3,000 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो थोड़ा सा मतलब 1% के आसपास कम हो गया, 1% के आसपास घटकर रह गया है 2,974 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। वहीं EPS की बात करें तो EPS देखिए दोस्तों ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा यहाँ पर हमको जंप देखने को मिल रहा है। EPS में करीब जो 16.67 का था वो अब 19.11 का हो चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे यहाँ पर EPS बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे रिजल्ट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे आए हैं दोस्तों, यहाँ पर मार्जिन भी काफ़ी अच्छे रहे हैं और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा रहा है। चलिए अब मेन बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पे क्या इसके बेस्ट बाय लेवल हो सकते हैं। तो देखिए बेस्ट बाय लेवल दोस्तों पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा किस बेसिस पे मैंने यहाँ पर ये यहाँ पर निकाला है। तो सब बेस्ट बाय लेवल मेरे हिसाब से दोस्तों इसके रह सकते हैं 360। अभी देखिए 430 के आसपास है, तो करीब करीब 360 के आसपास यहाँ पर हमको बेस्ट बाय लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब ये किस बेसिस पे मैंने निकाला है उसको मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर पहले। तो देखिए वैसे तो आप देखेंगे तो इसका इंडस्ट्री का पी है 29, लेकिन इसका स्टॉक का पी है 22। अब आप बोलेंगे इंडस्ट्री के पी से तो सस्ता है, लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ
यहाँ पर एवरेज इसका पी ए, जो हिस्टोरिकल पी ए उसकी बेसिस पर हम बात करो तो हिस्टोरिकल पी ए दोस्तों इसका 17 से 18 के आसपास रहा है। अगर मैं बात करूँ पिछले 3 साल की, 5 साल की या 10 साल की, तो इसका जो एवरेज पी रहा है हिस्टोरिकल पी ए वो 17 से 18 के बेसिस बीच रहा है। तो इसके बेसिस पर मैं दोस्तों आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि 360 इसका बेस्ट बाय लेवल हो सकता है। अगर मैं ईपीएस इसका अगर मान लीजिए मैं 360 का इसका ईपीएस से डिवाइड करता हूँ, जो कि मार्च 2021 का जो ईयर एंडेड है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, ईपीएस 19 है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ में 20 ले लेता हूँ टू ईज आउट द कैलकुलेट, तो देखिए करीब करीब 18 का इसका पी निकल के आता है, जो कि इसका हिस्टोरिकल पी भी है। तो अगर 360 के आसपास ये आया तो दोस्तों मेरे ख्याल से एक सेफ्टी लेवल इसका होगा, जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म के लिए इस लेवल पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन समझने की बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि करंट लेवल पे भी अगर आप लॉन्ग टर्म में बाय करते हैं विप्रो के शेयर को, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन शेयर है। जिस प्रकार से बिजनेस शिफ्ट हो रहे हैं, ऑफलाइन टू ऑनलाइन क्लाउड सर्विसेज यूज हो रही है, डिजिटल एरा में हमारा देश जा रहा है, तो विप्रो दोस्तों आप करंट लेवल पे भी बाय करेंगे, थोड़े थोड़े स्टैगर्ड बैनर में बाय करते जाएंगे, नीचे आए तो और बाय करेंगे, एवरेज करेंगे, तो भी दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, स्विंग ट्रेड लेते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये बाय लेवल सही नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको बाय करना चाहिए करीब करीब या तो ये 400 के लेवल पे, या फिर उससे नीचे जब ये आए 360 370 के लेवल पे। तो ये है बेस्ट बाइंग लेवल। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो भी दोस्तों आप इसको डेफिनेटली अभी भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अपने ऊपरी स्तरों से देखिए अभी भी ये करीब 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 देखिए 8-10% के करेक्टेड लेवल पे मिल रहा है। अभी जैसा हमने टीसीएस में देखा दोस्तों, रिजल्ट्स आने के बाद अच्छा खासा करेक्ट हुआ। इन्फोसिस में देखा, रिजल्ट्स आने के बाद अच्छा खासा करेक्ट हुआ। तो लेट्स सी दोस्तों कल के दिन क्या होता है, क्या ये करेक्ट होता है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी यहाँ पर अच्छे आए हैं। और करेक्ट होता है दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप विप्रो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। बेस्ट बाय लेवल्स मैंने इसमें बताया, इन डेप्थ एनालिसिस आपको Q4 रिजल्ट्स की मैंने करके बताई। तो अच्छा लगा है तो वीडियो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को अभी तक, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।